यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का गाइस यार यहाँ पर दोस्तों आरिश खान की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में गाइस। और जस्ट आप सब लोग गाइस यार यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, किसी चीज़ की यहाँ पर कमी लग रही है। पता है किस चीज़ की? हमारे पेडल्स की। गाइज तो अब आप सब लोग गाइज यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पेडल्स भी आ चुके हैं, ठीक है ना गाइज। और गाइज ये है मेरे पास जो स्कैनिया R730, ठीक है। और आज इसके साथ हम थोड़ी सी यहाँ पर मस्ती वगैरह करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अमेजिंग है और काफ़ी यहाँ पर हैवी लोड को भी दोस्तों लेकर जा सकता है, ठीक है ना। बता दे अब तक ये गया, ठीक है। इंडिकेटर्स का कोई रिस्पॉन्स है नहीं, ये अंदर से है, अंदर से अच्छा है दोस्तों, स्कैनिया है ना, अंदर से तो अच्छा हो गई, बढ़िया लग रहा है। वैसे इंटीरियर वाइज तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। सेम ऐसा यूरो ट्रक में भी मिलता है दोस्तों, यूरो ट्रक वाला मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। चलो कोई नहीं, सबसे पहले चला कर देखते हैं कैसा है। और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वगैरह कर देखेंगे इससे। ये जस्ट अभी लिया है ना, और माइकल दादा का नहीं है, किसी और का है। और हम जस्ट इसका एक बार रिव्यू यहाँ पर करने आया था, मेन ट्रक कैसा है। वैसे दोस्तों नॉर्मल तो कोई भी ट्रक हो अच्छा भागता ही है, क्योंकि भाई भागने के लिए तो देखो बना होता है, पता चलता है ट्रेलर के साथ, जब वज़न साथ होता है ना तब पता चलता है भाई। पर कोई नहीं, अभी इसको चलाकर देखता हूँ मैं। क्या बात है, मस्त चल रहा है ट्रक में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जो दिक्कत देने वाली चीज़ है। मैं इससे इतनी ख़तरनाक ऑफ रोडिंग भी नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली चलाऊँगा इसे, बिल्कुल ही नॉर्मली। चलिए, और अगर मैं अंदर की बात करूं, बहुत प्यार से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ था जो कि मुझे दिखा नहीं, और अपना स्कैनिया लग गया इसमें, ठीक है। लाइट टूट गई इसकी, एक मिनट में लाइट टूटती है ट्रक्स की। ये कुछ भाई अलग टाइप के ट्रक्स होते हैं यार, ये थोड़ा लग्जरी में आते हैं, लग्जरी टाइप के होते हैं तो, और महंगे भी होते हैं, जैसे कि फरारी वगैरह, BMW वगैरह। इसलिए स्कैनिया कंपनी बहुत प्रीमियम ट्रक्स यहाँ पर बनाती है, तो थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं यार। ओ भाई साहब, अबे यार शिट यार, अरे यार गाइस, चल चल इसको यार यहाँ से निकाल पाना दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए सबसे पहले मैं ट्रक से बाहर आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नीचे आके गिरा हूँ भाई ट्रक से। ओ भाई साहब, ट्रक दोस्तों बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है दोस्तों ट्रक। यार यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो गाइस मुझे ना अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली जो कि इस ट्रक को निकाल पाए। इस ट्रक को दोस्तों एक ही चीज़ निकाल सकती है, फॉर्चूनर, उसके अलावा कोई नहीं। दूसरा ट्रक भी मेरे ख्याल से निकाल ही देगा, बट भाई दूसरा ट्रक मैं लेकर कहाँ से आऊँगा अब, ठीक है ना। यार ये गलती से यहाँ पर मुझे कूदाना नहीं चाहिए था यार, ये शिट यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्तों। अभी चलिए मुझे पैदल चलना पड़ेगा यार, जहाँ तक कोई टैक्सी वैसे टैक्सी देखता हूँ यहाँ पर कोई कैब्स वगैरह अगर अवेलेबल होंगी दोस्तों इस इलाके में पिकअप करने के लिए। Hello. तो गाइस कपल मिनट्स के अंदर, यानी कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो है कैब आने वाली है, आसपास ही होगा भाई, बंदा भी देखते हैं भाई। ये दोस्तों ट्रक चला जाए आज किसी भी तरीके से यार,
बाकी मैं इसको लगा देता हूँ, मैं 200 जाऊँगा, मुझे जो जाना है कहाँ पर मिले गाड़ी। ठीक है चलिए, यहाँ इस फैक्ट्री तक चलता हूँ, यहाँ तक तो आ जाएगा वो मुझे लेने। बैनी को ही कॉल करूँगा यार, वो आ गया टैक्सी वाला। चल थैंक यू सो मच ब्रदर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों अपने ट्रक को लेकर आना है मुझे। हाँ Sanchianski Mountain Range. ठीक है, बता दिया मैंने, बता मैंने इसको दोस्तों लोकेशन बता दी है। अब ये खुद मोड़ के यहाँ पर जो है मुझे लेकर जाएगा उस लोकेशन तक जहाँ पर दोस्तों मुझे मेरी कार मिलने वाली है। अरे यार, अरे भैया ढंग से चला लो, लगता है एक कटन ही लिया जा रहा है इस पे। क्या बंदा है यार ये, मोड़ लेगा क्या आज? अबे फेंक ना दियो बे, घोंचू की औलाद, घोंचू की औलाद ने नीचे फेंक दिया दोस्तों। देखता है ना टैक्सी वाले में कितना दिमाग है आज, पता चल जाएगा क्या दिमाग है इसके अंदर। कहाँ फंसा दी, कहाँ फंसा दी है ये टैक्सी वाले का दिमाग है दोस्तों, देख लो आप। बताना अब क्या करना है बेवकूफ़ की औलाद, टैक्सी की तो तुमने ऐसी। चलो यार मैं दोस्तों एक झपकी ले लेता हूँ, इतने भाई ये चलाए दोस्तों, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। ले जाएगा किसी ना किसी तरीके से तो लेके ही जाएगा। ओके लेकर आ गया यार भाई। चलिए दोस्तों फाइनली, तो गाइज अब यहाँ पर आने के बाद मैं जो है अब यहाँ पर दोस्तों उसको फ़ोन करता हूँ बैनी को, क्योंकि बैनी गाइज यहाँ पर आसपास ही और मुझे वो गाड़ी जो है दे जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं उसको कॉल करता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो यार फाइनली भाई यहाँ पर बैनी मुझे जो है गाड़ी दे गया, और दोस्तों ये कस्टम मेड, जी हाँ ये कस्टमाइज बहुत हाई एंड तरीके से यहाँ पर कर रखा है दोस्तों इस गाड़ी को। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो कार है ये जो है बैनी की है, ठीक है, कस्टम इसका नंबर है, और ये कोई लेजेंडर नहीं है। नौ एक लेजेंडर भी आती है ना, वो 4x2 आती है, 4x4 है, फॉर्चूनर है दोस्तों ये जो होती है, कोई लेजेंडर वेरिएंट नहीं है ये, समझे आप, विद ब्लैक शीशे। और बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर भाई लेजेंडर से तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी डे टाइम रनिंग लाइट, ये पीछे का एरिया लेजेंडर की भाई बात अलग है दोस्तों, लेजेंडर लेजेंडर है उसकी, उसकी है भाई, ठीक है ना। लेजेंडर के इंडिकेटर इस टाइप के हैं, बैक होते हुए लेजेंडर की कोई लाइट्स नहीं है शायद, और हेडलाइट्स कुछ इस टाइप की हैं, और नीचे दे रखे हैं इसके इंडिकेटर्स, ठीक है। बट इसमें कस्टम मेड टायर्स लगवा रखे हैं बैनी ने, बहुत तगड़े तगड़े। बैनी इससे मतलब हर लेवल की ऑफ रोडिंग कर लेता है, किसी भी लेवल की ऑफ रोडिंग हो ना वो वही करता है। और पावर के मामले में गाड़ी कुछ भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल में है ही, तो पेट्रोल की फॉर्च्यूनर का भाई एवरेज तो इसका है 2 या 3 का, पर गाड़ी ऐसी है जैसे शेर होता है ना, शेर इस टाइप की कार है, एकदम शेर जैसी। चलो बाकी उसने कहा कि अगर कहीं से लगवा भी गई कोई टेंशन की बात नहीं है, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, बट आप वो ट्रक ज़्यादा महंगा है, उसको निकाल कर लाओ यार। और उसको पता था फॉर्चूनर पे इतना भरोसा है उसको भी और दोस्तों मुझे भी, कि एक लौती एक ऐसी गाड़ी है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि निकाल देगी उसको वहाँ से। अब देखो गाइस हमें तो ऐसे ही लग रहा है, उम्मीद है कि फॉर्चूनर हमारी उम्मीदों पर दोस्तों यहाँ पर खरी उतरेगी। चलिए यहाँ पर दोस्तों ने यहाँ को जो है इंडिकेटर दे दिया, बढ़िया। लेजेंडर से कई गुना ज़्यादा अच्छी स्पीड है इसकी, मैंने लेजेंडर भी चलाई है ना, तो लेजेंडर तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, ये 4x4 है, 4x4। अगर फॉर्चूनर चलाने का मज़ा लेना है तो आपको जो है फॉर्चूनर ही लेनी चाहिए, फॉर्चूनर लेजेंडर नहीं, वो जस्ट एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन कर दिया है थोड़ी सी खूबसूरत बनाने के लिए, और भाई खूखारी अच्छी लगती है फॉर्चूनर तो, समझ गए। वो डीआरएल्स वगैरह अलग सी दे दी, ये दे दिया वो दे दिया, बेकार है, यही चीज़ें सबसे अच्छी हैं दोस्तों। ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस गाड़ी के साथ भी भला कुछ हो सकता है कि दोस्तों।
इसके साथ कुछ नहीं हो सकता भाई, ये तो जस्ट हल्की वल्की सी, तो देखो भाई लग जाती है गाड़ी इसमें, तो देखो भाई मैं भी कुछ नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत ही तो देखो लगती है, और गड्ढे वड्ढे भी देखो लगते हैं स्टेयरिंग के ऊपर, तो देखो पता चलता ही है। हाँ बस ऐसा नहीं है कि गाड़ी मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बेकार है, गाड़ी बहुत प्यारी है। देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो कैसे चल रही है, दम तो बहुत है भाई फॉर्च्यूनर में, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी और हर बंदे को माननी चाहिए भाई ये बात तो। चल चल मेरी धन्नो, आराम से देखो, ज़्यादा जल्दबाजी करूँगा तो मुझे पता है, देखो दोस्तों यार गलती होगी मुझसे और एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, बट नॉर्मल स्पीड्स पर ना कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते, होने को भी जाते हैं जिसकी किस्मत दोस्तों कुछ ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होती है, बट अच्छी गाड़ी है तो प्यार मोहब्बत से चलानी चाहिए ना। फाइनली हम दोस्तों यार यहाँ पर पहुँच भी गए, जहाँ पर भाई हमारा दोस्तों ट्रक गिर गया था भाई साहब, भाई उस ट्रक को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, मुझे अपनी फॉर्च्यूनर पे दोस्तों पूरा का पूरा भरोसा है। टेढ़ा हो गया क्या? नहीं नहीं वैसे ही, चल तो इलेक्ट्रिक वो है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर जो कि अटैच होता है सीधा गाड़ी से। चलिए हो गया, बुक हो चुकी है, ओके जस्ट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे ना गाड़ी को बैक कर लेना चाहिए क्योंकि लेकर तो इधर से ही जाना है ना, इधर से ही जाएंगे लेकर तो। चलिए दोस्तों चल बढ़िया, इधर को लाओ और बैक करो हल्का हल्का, थोड़ा इधर को थोड़ा इधर को, ठीक है ना, अब बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब सही है दोस्तों, है ना। चलिए 3 2 1 चल मेरी धन्नो, चल फॉर्च्यूनर, दूसरे गियर में दबी खींच पा रही है, दूसरे गियर में नहीं खींच पाएगी, फर्स्ट में तो खींच भी लेगी। चल चल सीधे ही आ जा, खींचा 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 खींचा, उतरी 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 उतरी, शिट 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 भाई साहब, और राइट तो भाई ये जो नीचे आ गया है, फॉर्च्यूनर चढ़ रही है ऊपर, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है दोस्तों फॉर्च्यूनर को। चल भाई चल, इसको तो हिला भी नहीं पा रही फॉर्च्यूनर, चल नीचे तो इसने गिराया अपनी कुछ ताकत का दोस्त यहाँ पर लगा कर, अभी कुछ ना कुछ तो देखो गाइस करना ही पड़ेगा। गाइस एक ट्राई और यहाँ पर कर लेते हैं, चलो एक ट्राई और सही, चल मेरी धन्नो, बैक खींच सकती है क्या इसको, चल फोर चुनते तो फूती फाती चढ़ गई, ठीक है बैक ले जा सकती है क्या, क्या पता बैक खींच के ले जाए इधर को, ऐसे भी नहीं खींच सकती क्या,
फिर तो लाना था भाई फॉर्चुनर के ऊपर। चल मेरी धन्नो, मेरी धन्नो तुझे खींचना तो ऊपर को ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस एक ट्राई और करता हूँ। अबे यार फॉर्चुनर आराम से चल। अब की बार दोस्तों मैंने फॉर्चुनर को स्पोर्ट्स मोड पे डाला है, देखता भाई स्पोर्ट्स मोड कुछ यहाँ पर वो कर भी दिखाया। भाई मुझे पता है फॉर्चुनर बहुत ज़्यादा तेज़ है और हल्का सा थ्रॉटल दे दी ना भाई उछलने को दौड़ेगी, मुझे पता है। कंट्रोल भी नहीं होती फॉर्चुनर इस हाई स्पीड पर, इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप सभी बट बाकी गाइस यार ये फॉर्चुनर जो है नाकामयाबी रही। अबे यार चल चल अच्छा इधर को खींच ले भाई। फॉर्चुनर भी दोस्तों कामयाब नहीं रह पाई इस चीज़ के अंदर। बाकी यार कौन सी गाड़ी होती जो कि इसको यहाँ पर खींच पाती, आपका इस बारे में क्या कहना है भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना। फॉर्चुनर में इतना दम मेरे को नहीं लगा यार जो कि एक स्कैनिया के ट्रक को गाइस यहाँ पर खींच पाए। आपका क्या कहना है, कौन सी गाड़ी यहाँ पर दोस्तों हो सकती थी जो कि इसको खींचती, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार उसको भी ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड ऑब्वियसली शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।